हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैन पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8.4 के बचे हुए सभी सवालों को। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर सबसे पहला सवाल दिखाई पड़ रहा, इससे पहले जितने 4 नंबर जो सवाल थे हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। निम्नलिखित सरसमीकरणों को सिद्ध करना है, यहां से आपको अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ दो पक्ष बनते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। ये आपका आरएचएस है, ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है, ये आपका एलएचएस है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे और आरएचएस को ला देंगे, ठीक। तो एलएचएस क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों, ये चीज जानते हैं कि जो कॉसिक थीटा होता है वो 1 अपान साइन थीटा के बराबर होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा बटे साइन थीटा के इक्वल होता है। क्या बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, तो कॉसिक को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, और यहां लिख सकते हैं यहां क्या लिखा जा सकता है? कॉस थीटा बटे क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब हर बराबर है तो अंश का होल अंश आपस में घट जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं बटे साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, क्या अलग होगा? यहां फर्स्ट स्टेप आपने हल किया, फिर ये सेकेंड, ये थर्ड, क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर का होल स्क्वायर ऊपर, नीचे का होल स्क्वायर नीचे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हम जानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, होता ही नहीं होता, तो हम यहां रख देंगे। तो भाई देखो जरा सा, हम यहां पर इसको अलग अलग कर सकते हैं, हम इस बात को इसे अलग कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस, जैसे x स्क्वायर है, इसे हम x गुणे x लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं ना, उसी प्रकार हम इसको दो बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लिख रहे हैं ये चीज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ऊपर लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखिए, और पूरे कट, ये बना ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? लास्ट वाला जो आंसर बचेगा वो यही बचेगा, ये आपका क्या है? आरएचएस। इस प्रकार आप जो है ये फर्स्ट नंबर सवाल इसको हल कर सकते हैं। देखिए कितना सरल था, केवल कॉसेक और काट को साइन और कास के पदों में तोड़कर हल कर दिए, आपका आंसर आ गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। तो गाइज आपका सेकंड नंबर प्रश्न ये है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा पक्ष हल करके इतना बड़ा लाया जाए, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग एलएचएस लिखेंगे, सबसे पहले एलएचएस लिखकर, एलएचएस लिखने के बाद एलएचएस पक्ष लिखते हैं, तो कौन सा है? कॉस ए पूरे के बटे कितना है? 1 प्लस साइन ए, और यहां पर 1 प्लस साइन ए पूरे के बटे कितना है? कॉस ए, ठीक। एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम इनका कितना है? 1 प्लस साइन ए एक कोष्टक में और साथ में कॉस ए, ठीक। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, कॉस ए का गुना इससे हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। लस और ए का भिन्न का जोड़ बन रहा है। अब देखिए कॉस ए से कैंसिल होगा तो इनका गुना इससे हो जाएगा, तो इनका गुना होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये भी वही, ये भी होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक। अब इनको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर से प्रसार कर देते हैं,
ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसका वर्क करेंगे तो एक ही आएगा, इनका वर्क करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2 sin a into, एक एक का कोई मतलब ही नहीं है, पूरे के बटे 1 प्लस क्या आ गया साइन ए, और इंटू कितना हो गया कॉस ए। एक बार फिर से यहां मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा एक तरफ कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस आपका 1 पहले से है, प्लस वहां पर है 2 sin a, ठीक। पूरे के बटे कौन है 1 plus sin a ना, और इंटू कितना है कॉस ए। अब आप देख पा रहे हैं कि इनकी वैल्यू एक है, इनकी वैल्यू कितनी है एक है, तो ये नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इनकी वैल्यू एक है तो 1 plus 1 पहले से है, प्लस कितना है 2 sin a, क्या है 2 sin a, पूरे के बटे कितना है 1 plus sin a, 1 plus sin a इंटू कितना है कॉस ए। ध्यान से देखिए, ऊपर अगर एक एक को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 2 plus 2 sin a, पूरे के बटे 1 plus sin a इंटू कितना है कॉस ए। अब आप देखिए ऊपर से 2 क्या है कॉमन है, अगर जब आप ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा साइन ए, ठीक। और नीचे क्या बचा है 1 plus sin a इंटू कितना है कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे cos a बचेगा, 2 गुणे 1 बटे cos a, और इनको हम कहते हैं sec a, तो क्या आ जाएगा 2 sec a। इस प्रकार आपका RHS प्राप्त होता है, ठीक। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप सेकंड प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं थर्ड प्रश्न की। तो गाइज हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का थर्ड नंबर, सवाल बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब जबरदस्त है। क्या कह रहा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, फिर cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 plus sec थीटा इंटू cos थीटा। यही प्रूफ करना था बच्चों, आराम से हम इसको प्रूफ कर सकते। देखिए सबसे पहला स्टेप है कि आप साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कीजिए सबको। तो टेन को हम LHS लेके हल कर रहे हैं बच्चों, और RHS लाएंगे पहला काम। LHS टेन थीटा, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख रहे हैं, प्लस कॉट थीटा को हम लिख रहे हैं कॉस थीटा अपान क्या साइन थीटा, पूरे के बटे 1 माइनस cot है, तो 1 माइनस cot के स्थान पे कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। आगे ध्यान से अगर आप देखिए तो यहां देखिए पूरे बटे यहां हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बटे एक कर ले और इनको हल कर दें हर को, अभी अंश वाले को कुछ नहीं करेंगे, साइन थीटा पूरे के बटे कॉस थीटा पूरे बटे लसा पर लें तो क्या आ जाएगा साइन थीटा आएगा, क्या आएगा साइन थीटा, थोड़ा सा जगह लिख कर लिखते हैं हम लोग, तो लसा पर लेने पे साइन थीटा आ रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखिए साइन थीटा आ रहा है तो यहाँ साइन थीटा का गुणा हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा, यानी आप समझ पा रहे हैं। ये देखिए भिन्न का जोड़ है, 1 और sin थीटा का एलसीएम साइन थीटा, साइन थीटा का गुणा यहाँ साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो एक कॉस थीटा में एक का गुणा होगा तो कॉस थीटा आएगा, बात समझ पाए। प्लस ऊपर क्या है भैया कॉस थीटा बटे क्या है साइन थीटा पूरे बटे लसा पर वही आएगा आपका कॉस थीटा। अब कॉस थीटा एक बार जाएगा तो कॉस थीटा का एक में गुणा कर देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा का गुणा कर देंगे तो भाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। ये हो गए। अब देखिए ये वाला पक्ष ऊपर जाएगा, ये वाला पक्ष नीचे आएगा, ये वाला पक्ष ऊपर जाएगा, ये वाला पक्ष नीचे आएगा। गाइस ये वाला पक्ष यहाँ, ये वाला पक्ष यहाँ, ये वाला पक्ष यहाँ पर, ये वाला पक्ष यहाँ पर, समझ पा रहे हैं। अब साइन थीटा यहां जाएगा ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ यहाँ, और इनका गुणा यहाँ हो जा रहा है तो कॉस थीटा, फिर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस का गुणा ऊपर किए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया पूरे के बटे। यहाँ देखिए ये कॉस यहाँ, ये साइन यहाँ आ रहा है तो साइन थीटा, फिर यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों यहां देखिए, यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो सेम टू सेम ऐसा दिखने लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक, प्लस यहां पर। अब देखिए जैसे ही ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के बटे यहां साइन थीटा। अब ये चीज प्लस हो जाए, ये चीज माइनस हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम करते क्या है, देखिए अगर हम यहां पर क्या कर दें, यहां पर साइन का गुणा और साइन का भाग, यहां पर कॉस से गुणा और कॉस से भाग, तो हर हमारे बराबर हो जाएंगे तो हल करने में आसानी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो साइन से गुणा साइन से भाग, साइन से गुणा साइन से भाग, तो जब साइन से गुणा करोगे तो जो साइन स्क्वायर थीटा है वो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, जरा सा समझिए, साइन क्यूब थीटा पूरे के बटे साइन का गुणा भी कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कोष्टक में कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, बीच में कितना है माइनस, ध्यान से देखिए। आगे यहां कॉस का गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और पूरे के बटे यहां गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, और यहां आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, किसी कोई दिक्कत। अब देखिए हर आपके बराबर है तो अंश आपस में घट जाएंगे, तो साइन क्यूब थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा पूरे के बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, अगर आपको ना पता हो प्यारे बच्चों तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना, माइनस ए बी होता है प्यारे बच्चों, प्लस ए बी होता है, प्लस ए बी होता है, ठीक, तो ये ध्यान देना। अब आई इसी से हम इसको प्रसार करेंगे, तो ए माइनस बी तो अर्थात साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए बी ए कौन है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा, ठीक, पूरे के बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये कोष्टक से पूर्ण रूप से कट जाएगा, इसकी वैल्यू एक हो जाएगी, ऊपर बचेगा एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप अलग अलग कर दीजिए केवल, बस एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वहां आ जाएगा बीच में प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे के बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इनका मान एक आएगा, ये एक बटे साइन, एक बटे साइन कॉसेक थीटा कहता है, क्या कहता है कॉसेक थीटा, और एक बटे कॉस, एक बटे कॉस कहता है सेक थीटा, प्लस क्या हो गया वन, एक बटे साइन कॉसेक एक बटे कॉस सेक प्लस वन ही बचा, तो यही आपका प्रूफ करना है बच्चों, आर एच एस आगे पीछे करके लिखा देख लीजिए। इस प्रकार आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं आगे फोर्थ नंबर की। गाइस आज की क्लास में केवल हम इतनी ही सवालों की बात करेंगे, जो बचे हुए सवाल हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।